तुझसे ज्यादा खूबसूरती है उसमें ओ चांद, तुझसे ज्यादा खूबसूरती है उसमें ओ चांद, पर तू ये कबूल करने से कतरा रहा है। दोस्त जरा छत पे आना, आज ये चांद कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी एक बड़े ही प्यारे से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भाई नाउन। ठीक है, ये सी नाम के बारे में ही बताता है, और इसका नाम क्या है, नाउन, राइट। एक ही क्लास हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश का, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम के कुछ वर्ड्स आए थे, और उनमें एक नाउन था आपका। तो वहां पर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन दोस्तों लिखी थी कि जो नाउन होता है वो होता है भी एक नेमिंग वर्ड। क्या होता है दोस्तों, एक नेमिंग वर्ड, यानी ये किसी भी नेम के बारे में हमें बताता है। वो नेम चाहे पर्सन का हो, थिंग का हो, या किसी प्लेस का हो, भी एक्टिविटी का हो, किसी एक्शन का हो, किसी फीलिंग का हो, यानी नेम होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। तो नाउन क्या है भाई, नेमिंग वर्ड है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने 12 सेंटेंसेस लिखे हुए, और इन 12 सेंटेंसेस के अंदर बहुत सारे नाउन हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो दिखते तो नाउन की तरह ही हैं लेकिन वो नाउन नहीं हैं। इस दिखते नाउन की तरह हैं लेकिन नाउन वो नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और अंडरलाइन करें उन वर्ड्स को जो आपके अकॉर्डिंग नाउन हैं, राइट। जो आपके अकॉर्डिंग नाउन हैं, राइट। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और पहचान इसकी की होगी, राइट। अब देखो, जो नाउन है सेंटेंस के अंदर, नाउन उसका होना या ना होना ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रामर आपकी होती है ना, इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रामर। क्या बोला जाता है भाई, यस, फंक्शनल ग्रामर। क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रामर इसको बोला जाता है। और जो फंक्शनल वर्ड है वो निकला है दोस्तों फंक्शन से। यस, वो किससे निकला है, फंक्शन से। अब फंक्शन आप किसी की शादी में मत चले जाना, इस फंक्शन का नाम सुनकर आप किसी की शादी के बारे में मत सोचने लग जाना, ठीक है। वो फंक्शन नहीं है यहाँ पर। फंक्शन का मतलब यहाँ पे है कि मेरे प्यारे दोस्तों, यूज। क्या है भाई, यूज। इस फंक्शन का मतलब क्या है, यूज, कि किस वर्ड का किस तरीके से यूज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ड सेंटेंस के अंदर नाउन है या नाउन नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये क्या है भाई, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में एक मार्कर है। अगर मैं इससे मैं लिखता हूँ तो मुझे भविष्य में सफलता मिलती है। अगर मैं इसी को किसी की आंख में डाल दूँ, किसी की नाक में डाल दूँ, या कान में डाल दूँ, तो क्या होगा बेटा, ये एक पोटेंशियल वेपन बन जाएगा, है ना। फिर इसने मार्कर का काम नहीं किया, फिर इसने एक पोटेंशियल वेपन का काम किया है। तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि किसी भी चीज का जैसे डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसे होता है, राइट। तभी आप उसको कह सकते हो कि भी वो मार्कर है या भी वो एक वेपन है। डिपेंड करता है कि इसका यूज किस तरीके से किया गया है। तो ठीक इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी डिपेंड इस चीज पर करता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर फंक्शन कैसा है, उसका यूज कैसा है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा भाई, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। अब नाउन के जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ, इस आप पहचाने कि भी नाउन किस तरीके का होता है, तो होता है साथियों, नाउन होता है भी विजिबल आपका। यस, पहला जो प्रकार इसका है वो क्या है साथियों, विजिबल ये है। पहला क्या है दोस्तों, विजिबल नाउन विजिबल हो सकता है। और उस विजिबल के अंदर क्या होगा भाई, या तो कोई प्लेस हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है, राइट। पर्सन, प्लेस, थिंग, आपने ये डेफिनेशन सुनी भी होगी इस स्कूल लेवल पर कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आज देखते हैं हकीकत में नाउन होता क्या है, राइट। तो कोई जो प्लेस है वो विजिबल है, पर्सन विजिबल होता है, थिंग विजिबल हो सकती है, राइट।
यहाँ पर हम एक और लिखें साथ ही इससे आगे लिखें तो बेटा वो इनविजिबल हो सकता है, बाई नाउन इनविजिबली हो सकता है जिसको सिर्फ हम कहीं भी फील किया जाए सिर्फ को, ठीक है। यस, जिसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको देखा या उसको टच नहीं किया जा सकता, ऐसा नाउन भी हो सकता है भी। और इस नाउन के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो आती हैं भी, मैंने एक वर्ड लिखा FAQS, FIQS, F से बना दोस्तों फीलिंग, A स्टैंड्स फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट। तो हमने जब इसको एक्सपेंड किया, फैक्ट्स वर्ड को जब हमने एक्सपेंड किया, तो F से बना फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी और S से स्टेट। तो ये भी एक नाउन का ही काइंड है भाई, ये भी एक नाउन का ही काइंड है, इस तरीके का भी नाउन हो सकता है। इसके आगे हम जो करते हैं वो होता है भी नाउन इक्विलेंट। क्या होता है दोस्तों, इस नाउन इक्विलेंट यानी ये जो शब्द होते हैं ये नाउन तो नहीं होते लेकिन वो फंक्शन नाउन के जैसा ही सेंटेंस के अंदर करते हैं, इस नाउन तो नहीं होते लेकिन फंक्शन उनका नाउन के जैसा ही रहता है। इस आगे अगर हम चलें तो भाई एक दायरा आपका आता है दोस्तों यूनिट, क्या होता है भाई यूनिट, इसको बोलते हैं भाई इकाई, क्या बोला जाता है दोस्तों इकाई, ठीक है। इसके बारे में हम बिल्कुल फुर्सत से बात करेंगे नाउन टॉपिक के अंदर, ठीक। अभी के लिए इसको हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि क्या होती है भाई, इकाई होती है, इस यूनिट होती है राइट, जो मेजर की जा सकती है भाई, जिसको यानी मापा जा सकता है या जिसको गिना जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है भाई, मेजर किया जा सकता है या इसको काउंट किया जा सकता है, एक ऐसी यूनिट होती है। तो चार तरीके का यहाँ पर नाउन है, विजिबल, इनविजिबल, इस विजिबल, इनविजिबल दोस्तों, इनविजिबल और नॉन इक्विवेलेंट और यूनिट राइट। अब डिपेंड करता है कि हम इस नाउन को पहचाने कैसे, यस डिपेंड करता है नाउन को हम किस तरीके से पहचाने। तो आपको इसकी जो आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन जो इसकी होगी दोस्तों वो है कि जब वर्ब से मिलकर हमें व्हाट का, हु का या भाई हुम का रिप्लाई मिले, व्हाट हु या हुम का रिप्लाई वर्ब के साथ मिलकर जो भी वर्ड हमें देते हैं वो हमारे सेंटेंस के अंदर नाउन होते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन सेंटेंस के अंदर नाउन का होता है राइट। तो व्हाट का, हु का या हुम का रिप्लाई जो भी वर्ड करेंगे वो होते हैं बेटा आपके नाउन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब भाई पहचानना, उनको किस तरीके से पहचाना जाए कि सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड हमें वर्ड का रिप्लाई करें भाई या हु का रिप्लाई करें या फोन का रिप्लाई करें वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो आओ दोस्तों अब देखते हैं कि भी सेंटेंस के अंदर नाउन कौन कौन सी यहाँ पर हैं, आपका अकॉर्डिंग चाहे कुछ भी रहे हो अभी तक राइट। आप देखते हैं कि कौन कौन सी नाउन है, सिर्फ इन तीन वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके आधार पर। अगर मैं इस सो वर्ब से, ठीक है, इस वरुण के बारे में पूछता हूं, मैंने कहा कि हु सो पूजा, हु सो पूजा, अगर ये वरुण मुझे हु का रिप्लाई कर रहा है, यस हु का रिप्लाई अगर ये दे रहा है वरुण, तो ये डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वरुण सो फूम, वरुण सो हुम, भाई हुम्स का अगर ये पूजा मुझे रिप्लाई दे रहा है तो ये दोस्तों क्या है भाई, ये वर्ड भी आपका नाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु बोट अ पेन, इसका मतलब नाउन है, हीना बोट व्हाट, हीना बोट व्हाट, तो ये जो कार है मुझे किसका रिप्लाई दे रहा है भाई, व्हाट का, तो डेफिनेटली क्या है, नाउन है, क्योंकि व्हाट हु और हुम का रिप्लाई जो भी वर्ड करते हैं उनका फंक्शन सेंटेंस के अंदर नाउन का होता है, ठीक है बेटा। तो हमने कहा भी हु, लो जी तरुणा यहाँ पर किसका रिप्लाई है, हु मैट आ बॉय यस्टरडे, ठीक है, हु मैट आ बॉय यस्टरडे तो नाउन है, तरुणा मैट हुम,
टू ना मैच होम यस्टरडे, तो ये भी किसका फंक्शन कर रहा था, नाउन का है। थ्रू ना मैच व्हेन, थ्रू ना मैच व्हेन, अब ये जो यस्टरडे है ना ये किसका रिप्लाई दे रहा है हमें, व्हेन का, ये ना तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है ना ही हु का ना ही फ्रॉम का, ये हमें रिप्लाई किसका दे रहा है दोस्तों, व्हाट का रिप्लाई, सॉरी व्हेन का रिप्लाई हमें ये दे रहा है। और व्हेन का रिप्लाई देने वाले जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर तो वो होते हैं बेटा एडवर्ब, क्या होते हैं वो, हमेशा एडवर्ब का फंक्शन करते हैं, ठीक है। किसका रिप्लाई दें, जो व्हेन का, ठीक है, रिप्लाई देने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे हमारे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, अगर मुझे ये टुमारो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो ये यहाँ पर डेफिनेटली क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये नाउन है। यस, नाउन की अगर कैटेगरी पूछी जाए यहाँ पर, नाउन की जो कैटेगरी वो पूछी जाए तो क्या है भाई ये, यस टुमारो क्या है यहाँ पर, यस एक नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन इक्विवेलेंट है, जो खुद नाउन तो नहीं लेकिन नाउन जैसा वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट विल बी टुमारो, तो जो पार्टी है हमें किसका रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का, तो डेफिनेटली नाउन है, ठीक है। द टुमारो विल, सॉरी द पार्टी विल बी व्हेन, ध्यान से देखना इस वर्ड को, इस ये जो टुमारो है अब ये हमें किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हेन का रिप्लाई हमें ये दे रहा है। अब यही वर्ड ऊपर आकर हमें व्हाट का रिप्लाई दे रहा था तो नाउन कैटेगरी में गया, यहाँ पर हमें यही वर्ड किसका रिप्लाई दे रहा बेटा, फैन का, तो देखने से पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, भाई डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर उसका जो फंक्शन है वो किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर वैन का रिप्लाई दे रहा है तो वैन का रिप्लाई देने वाले वर्ड्स हम पहले जानते हैं वो क्या होते हैं भाई, एडवर्ब होते हैं वो, ठीक है, क्या होते हैं भाई, एडवर्ब होते हैं। आगे देखो बेटा, व्हाट रिड्यूसेस स्ट्रेस, Is what reduces stress. तो what का reply दे रहा है, laughter. तो क्या है दोस्तों, noun है. Yes, noun है. Laughter reduces what? What का reply दे रहा है stress यहाँ पे हमें. तो क्या है बेटा? Yes, क्या है दोस्तों? ये भी क्या है? Noun है. ठीक है? Yes, देखो जो laughter है. Yes, laughter वो किस category में जाएगा आपका? वो कैटेगरी में जाएगा बेटा आपका एक्शन वाले में, है ना, लाफ वर्ड के साथ में टी ई आर लगा तो क्या बना, लाफ्टर। भाई जो लाफ्टर है, इस लाफ्टर है वो भी एक नाउन है, ठीक है, कैसा नाउन है भाई, किस तरीके का नाउन है दोस्तों, वो इस इनविजिबल है, फेल्ट, जो सिर्फ हमें फील होता है, किसी के लाफ्टर को किसी के हंसने को आप कभी भी देख नहीं सकते, हंसते हुए जब आप देखते तो उसके चीक्स दिख रहे हैं, लिप्स दिख रहे हैं, उसके टीथ दिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका हंसना थोड़ी दिखता है हमें, ठीक है, जो हंसना है उसको समझना पड़ता है, हंसने को दोस्तों क्या करना पड़ता है भाई, समझना पड़ता है। किसी का हंसना आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, किसी का हंसना आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, किसी का हंसना आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, किसी का हंसना आपको परेशान कर सकता है, किसी का हंसना आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, और किसी का हंसना आपको सिंगल से डबल कर सकता है। यस, आइए वापस, तो लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस, तो ये अपने आप में क्या है बेटा, यस क्या है बेटा, नाउन है। अगर हम स्ट्रेस के बारे में पूछे तो कौन सा नाउन हुआ भाई, स्ट्रेस एक स्टेट है, क्या है दोस्तों, स्टेट है, तो भाई ये क्या हुआ आपका, एक स्टेट है स्ट्रेस, राइट। आगे बढ़िए, माई लव इज फॉर एवर फॉर यू, तो मेरे को भी व्हाट इज forever for you, what is forever for you, तो what का reply हमें कर रहा है, तो क्या है दोस्तों, noun है, ठीक है, my love is forever for you, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार के निशानी, तो क्या है भाई, is my love is forever for you, ठीक है, तो what is forever for you, क्या रिप्लाई मिला, my love, तो डेफिनेटली क्या है दोस्तों, noun है। who loves chokis, तो who का रिप्लाई दिया तो क्या है दोस्तों, इसी का, इस इसी का रिप्लाई में क्या मिला हमें, who loves chokis, रिप्लाई मिला हमें इसी का, तो इसी का डेफिनेटली noun है, ठीक है भाई, noun है, तो इसी का loves whom,
एसी का लॉस फूम, तो योगेश यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, नाउन हुआ भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो लव है ये पहले क्या, इस पहले किसके बारे में बता रहा है, पट का रिप्लाई है तो नाउन बना। अब यहाँ पर यही लव क्या है, ये अपने आप में क्या है वर्ब है, ये अपने आप में क्या है कि वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब इसी का के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। हमने कहा नेक्स्ट में चलिए, व्हाट पास्ट स्लोली, बेटा व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो क्या हुआ नाउन हुआ, यस व्हाट का रिप्लाई दे रहा है क्या हुआ नाउन हुआ। ठीक है, नाउन कौन सी क्रिया में भाई, यहाँ पर ये यूनिट, कौन सी में का दोस्तों, यूनिट में। ठीक है, यूनिट में हमने कहा द ईयर पास्ट हाउ, द ईयर पास्ट हाउ। अब ये जो स्लोली है हमें किसका रिप्लाई दे रहा है दोस्तों, हाउ का। तो याद रखना हाउ का रिप्लाई देने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी कायदे से एडवर्ब होते हैं सारे। ठीक है, हाउ का रिप्लाई जो भी वर्ड देते हैं वो भी अपने आप में एडवर्ब होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए भाई, हु लाइक्स हिज होम, तो डेफिनेटली नाउन। विशाल लाइक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है तो डेफिनेटली क्या है नाउन। ठीक है दोस्तों, हु वेंट होम तो नाउन हुआ, नाउन हुआ। मनीषा वेंट, क्या ये वर्ड का रिप्लाई दे रहा है, जी नहीं। हु का दे रहा है, बिल्कुल नहीं। होम का दे रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर रिप्लाई किसका दे रहा है दोस्तों, ये वेयर का। ठीक है, तो वेयर का रिप्लाई जो भी वर्ड्स देते हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, वो भी क्या होते हैं अपने आप में एडवर्ब्स होती हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई, व्हाट टू या होम का रिप्लाई जो भी वर्ड्स दें वो अपने नाउन होते हैं, वो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करते हैं, और व्हेन हाउ या वेयर का रिप्लाई जो भी वर्ड्स करते हैं वो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस पर यूज किस तरीके से सेंटेंस के अंदर हुआ है। ठीक है, लास्ट है भाई, व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, तो भी नाउन हुआ, व्हाट का रिप्लाई है तो लाफ्टर है ना, रिप्लाई में क्या मिला भाई लाफ्टर। व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, आपने कहा लाफ्टर तो नाउन हुआ। लाफ्टर इज व्हाट, लाफ्टर इज व्हाट, तो ये भी व्हाट का रिप्लाई है भाई, आपने कहा द बेस्ट मेडिसिन, तो ये भी क्या हुआ दोस्तों नाउन भी आपका हुआ। तो सेंटेंसेस के अंदर कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा वर्ड नाउन नहीं है ये डिपेंड करता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर उस वर्ड का जो पर्टिकुलर यूज है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। मैं आपके सामने दो तीन सेंटेंसेस और लिखना चाहूँगा, सिर्फ दो या तीन सेंटेंसेस में यहाँ पर और लिखना चाहूँगा दोस्तों, और आपको पहचानना है कि भी कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है। ठीक है, मैंने कहा आई वॉच अ पेन, आई वॉच अ पेन, फिर मैं कहता हूँ ही पेंस द स्टोरीज, ही पेंस द स्टोरीज, हमने कहा भी जॉर्ज एलियट is a pen name, इस अब इसके अंदर देखना क्या है कि भाई pen, pen और pen तीन sentences है दोस्तों, तीनों sentences के अंदर pen word आया है, आपको इसका function बताना है, right? function इसका आपको बताना है। तो first में देखिए भाई, आने का भी I bought what, what का reply है तो definitely क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये जो पेन है ये कैसा है नाउन है, तो ही पेंस द स्टोरीज, अब ये जो पेन है तो इसके साथ एस लगाया हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों राइट, इस पेन का मतलब क्या है राइट। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हुआ आपका वर्ब, क्योंकि वर्ब के साथ ही थर्ड पर्सन के लिए हम एस और एस लगा रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ही पेंस द स्टोरीज, ठीक है, पेंस का मतलब यहाँ पे क्या भाई राइट। जॉर्ज एलियट इज व्हाट, जॉर्ज एलियट इज व्हाट, तो ये तो हुआ भाई नाउन, ये तो आपका हुआ नाउन, ये नेम का। ठीक है,
और ये पेन में नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है वो क्या सब क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। तो ये जो नाउन है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यस, क्योंकि ये इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। पेन नेम, पेन नेम में क्या होता है, कोई भी राइटर जब अपना खुद का नाम ना देकर किसी और नाम को वो रखें और अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनाओं को उसी नाम के अंदर वो दें। जैसे चार्ल्स डिकेंस का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपना नाम बोज, यस बोज के नाम से उन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग्स की है। यस, अगर आपने प्लस टू क्लास के अंदर एक पोइम है बेटा आपकी माई मदर एट 66, उसमें जो राइटर वो कौन है, कमला दास, ठीक है। लेकिन कमला दास ने अपना जो पेन नेम के अंदर जो पोइट्री लिखी है वो है, उनका जो पेन नेम है वो क्या है, मधावी कुटी। क्या है दोस्तों, मधावी कुटी। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं, ये इन्हीं में से ये जो जॉर्ज एलियट है ये भी एक पेन नेम है, ठीक है। जॉर्ज एलियट भी क्या है बेटा, पेन नेम है किसका, मैरी एन इवेंस। मैरी एन इवेंस नाम के एक राइटर थे विक्टोरियन एज के अंदर, और उस विक्टोरियन एज में लेडीज को राइटिंग करना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने किया ये कि उन्होंने एक पेन नेम रखा अपना जॉर्ज एलियट के नाम से, है ना। वो महिला से बन गई पुरुष और अपनी राइटिंग उसने की, राइट, ठीक है बेटा। जबकि विक्टोरियन एज थी 1837 से लेकर 1901 तक जो चले, उसके अंदर जो जॉर्ज एलियट नाम की राइटर थी उन्होंने अपना पेन, ये जो था वो पेन नेम था किसका, मैरी एन इवेंट्स का। तो मैरी एन इवेंट्स ने अपना पेन नेम यहाँ पर जॉर्ज एलियट रखा। तो ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो उसको आप बड़े अच्छे से देखना, आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। इसमें आप सीखेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारी नाउन के बारे में रहेगी उसमें हम सीखेंगे कि नाउन के काइंड्स क्या हैं और उनको किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।